जीने साथी को। आज शेख भिखारी शहादत दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि चंदन सिंह और सभी मंच में उपस्थित मेहमानगण, आज हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आजादी के 70 साल बीते हुए लेकिन आज शहीद का गांव लोटवा खुदिया आज भी एक कंगाल की स्थिति में उठाए हैं। आज तो मैं यहां पहली बार आया हूं और मेरा पंचायत ढांचा है लेकिन पहली बार हमको यहां बुलाया गया है, ये देख कर बहुत अफसोस लग रहा है। बहुत सुने नेता, बहुत यहां नेतागिरी हुआ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या आसू हो, सभी आके यहां सभी को धोखा दे के चल जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज हम सबों को एक होने की जरूरत है और ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि जब तक यहाँ का कोई समस्या हम लोग का समाधान नहीं होता है किसी भी नेता को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। जब तक हम लोग का जो समस्या है यहाँ का, जैसे पानी का है, बिजली का है, चाहे रोजगार का है या तो फिर किसी भी तरह का समस्या, जो भी समस्या आप सब यहाँ देख ही रहे हैं, आज इस चीज को हम लोग एक रखने की जरूरत है और आने वाला जो भी नजदीक है चुनाव, फिर नेतागिरी करने के लिए जरूर सब पार्टी लोग यहाँ आएगा लेकिन उसको घुसने नहीं देना है कि जब आप लोग वादा किए हैं उसका पूरा कीजिए, नहीं तो यहाँ से हम लोग बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी साथी को अगर कुछ कहना है और इस गांव के कोई आज ये प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम भाई। MIM के तरफ से ऐसा गुंबद बनाया जाएगा, अभी फिलहाल दयनीय स्थिति है। सिलापट का भी उद्घाटन उसको नजर करिए और कुछ दिखा दीजिए तो हम जमीन भी तैयार रहेंगे, आपका मदद भी तैयार रहेंगे हर चीज, लेकिन हम लोग कुछ अभी तक नजरना नहीं आया। इतने ही नेता आया, इतने ही किया, सब कुछ आया है, कोई हम लोग का नहीं इस तरह से किया। सुदेश यहाँ तो आकर के यहाँ पर ये किया, जो कदम रखा पहला, हम अपना हाथ से हमको नरियर करवाया और बोला हम सबको गोद ले लिए, आपका सुंदरीकरण हम कर लेंगे, यहाँ आपका कोई ऐसा तकलीफ नहीं होने देंगे, और अभी तक का कोई पता ही नहीं है उन सुदेश महतो है या कहा है, सामने फोटो लिया, सब कर लिया, फुलवाया, अभी तक कोई अभी नजर नहीं आया। कितने और नेते आए, ऐसा बात नहीं है कि सुदेश महतो आए वो नहीं, सब नेते आए हैं, कांग्रेस का भी आया है और ये भी आया है, ये क्या कहते हैं आपका ये जनता है, जनता है, जनता के लिए आए हैं, लेकिन वो भी सब कुछ करके चले गए हैं, लेकिन कोई ऐसा हम लोग का नजर उठा के कोई नहीं देखा। अब बताइए, देख लीजिए कि ये माहौल कैसा है यार, क्या है ये बहुत दिन में इसको भी जो है संसद भवन को कर रहे थे लेके बना रहे थे उधर, इसको हम उठा करके ले आए, ला करके हम बोले कि भाई यही बनेगा, जो भी बनेगा हम अपना जमीन दे करके बनाएंगे और बना दिए, कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हम बनवा दिए और आज तक है कि कोई ऐसा बात है कि अब जो भी है क्या करेंगे, बनवाने के लिए बना दिए, खाने वाला खा लिया, लेकिन कोई एक चाह पीने के लिए भी यहाँ रुको किसी से नहीं लिए, हम वही बंदा है तो सर्कस थे हम, लेकिन अभी सर्कस ही नहीं दिखा है, अभी भी हम दावा करते हैं कि हाँ शेख भिखारी का है कुछ तो है, लेकिन खैर अल्लाह जो कुछ करने वाला है वही कर रहा है, नेक्स्ट वीक से हम अपना खा रहे हैं, रोजी रोटी अपना कमा खा रहे हैं और इसी है बहुत कुछ है, ना घर मिल रहा है, ना दुआई मिल रहा है, ना पानी का स्थान है, ना कोई चीज का है,
कार्ड मिलता है उसमें भी धमकी भी देता है, जैसा कार्ड देंगे कार्ड तो फलना कर देंगे। ज्यादा बोलते हो क्यों? आप अपना घर से नहीं दे रहे, सरकार दे रहा है, उसको पैसे काट लिया, इतना तक है तक बोलो तक हम कर चुके हैं एक कार्ड के चक्कर में। ये मेरा गैस मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये गैस के लिए भी किए ठीक है, लड़का लोग सबको मिला, मेरा बाल बच्चा को अभी तक एक घर सहित नहीं मिला है। क्यों हम क्या बदनामी किए हैं, क्या किए हैं? सब कहने की किए हैं, बदी नहीं किए हैं, सब कहने की किए हैं आपको लेकर, लेकिन आज तक हमारा कोई ऐसा चीज है वो कुमार भी नहीं मिला हमको। आधार कार्ड का बोलते हैं ये मिलेगा, ये क्या कहते हैं गरीबी रेखा वाला वृद्धा पेंशन, उसको कायम मतलब लिखा ले गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 60-70 बरस पहनने से या होने से क्या फायदा हुआ, कमा रहे खा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो कहीं से जल्दी जीवे करेंगे खाने करेंगे, लेकिन हाँ अभी जो आए हैं आप लोग अगर कदम उठा दीजिएगा तो हम लोग अमर हो जाएंगे और आपको भी अमर कर दें। ये आप क्या कर रहे तो हुए ही है, अभी ताहिन भी चार मिनट देखिए भूल मत जाइएगा, आए हैं जैसा करके आगवा रहे हैं आप, पहला मतलब आप लोगों से हम कदम रखे हैं, लेकिन आपका भी कदम को हम चुन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग देखिए और हम लोग कर दिए तब समझेंगे कि हाँ, अभी तो जैसे अभी बोले प्रभु साहब जो कि कोई भी नेता जैसे आए हैं उसको खदर के यहाँ से हटा दिया, चाहे कोई फायदा नहीं, हम क्या करेंगे? मेरा क्या है, यहाँ अगर हमको खाली तमाशा दिखाओगे करोगे तो हम नाटक करने वाला आदमी नहीं है जो हम नाटक करके आपको सही रूप का इशारा। अब इतने कर करके हम अपना आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा मायने रखता है। 1857 की क्रांति में दूसरे नंबर पर अपनी जान की आहुति कुर्बानी देने वाले शख्स का नाम शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव जी का नाम आता है, और जिस जमीन पे हम खड़े हैं यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम शहीद शेख भिखारी के पैतृक गांव लोटवा खुदिया में खड़े होकर उनके बारे में कुछ जो सब बोल रहे हैं। वो शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अंग्रेजों से लोहा लिया और हिंदुस्तान को आजादी दिया, क्या यही सोचकर कि हमारे परिवार हमारे वंशज नंगा भूखा और बेरोजगार रहेंगे? आपने देखा श्री सुदेश महतो जी का कई लोगों ने नाम लिया, इस गांव को आदर्श बनाने का, आदर्श गांव बनाने का नाम दिया, और ये प्रैक्टिकल जब हम लोगों ने यहाँ देखा तो ना बिजली का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना घर का व्यवस्था है, ना किसी को राशन कार्ड मिल रहा है, ना किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है। आखिर ये झारखंड सरकार बने हुए 18 साल हो गया है और हिंदुस्तान की आजादी का 70-71 साल हो गया है, अगर शहीदों को सम्मान इस देश में झारखंड में नहीं मिलेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मजलिस का टीम हिंदुस्तान में जो शहीदों को सम्मान नहीं देगा उनको सम्मान हम लोग कभी भी किसी भी रूप में नहीं देंगे, चाहे वो नेता कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, बीजेपी का हो। आखिर ये शहीद हमारे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने ये सोचकर आजादी की लड़ाई लड़ी कि हमारे मुल्क के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग के लिए मैंने जान की आहुति दे रहा हूं, तो आने वाला नस्ल हमें याद करेगा, हमारे परिवार सुख शांति चैन से रहेगा। पर आज बड़ी दुख की बात है कि झारखंड गवर्नमेंट में, झारखंड बने 18 साल हो गया, कई मुख्यमंत्री यहाँ आए, श्री अर्जुन मुंडा से लेके बाबूलाल मरांडी से लेके श्री रघुवर दास जी तक आदिवासियों को आदिवासी लीडर ने लूटा, मुसलमानों को मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ लूटा, और आप देख रहे हैं कि
शहीद सिख भिखारी का गांव जहां एक उनका कब्र मुबारक भी है। कई लोग आए, कई राजनीति आए, मगर शिलान्यास करके चले गए कि यहां हम आदर्श गांव बनाएंगे। आखिर क्या वजह रही हमें ये नहीं समझ में आया। हर लोग यहां पे आए और आप गरीबों का मजाक उड़ा करके यहां से चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। मैं यहां आप लोगों से कहने आया हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका दुख सुख का साथी है। इंशाअल्लाह रहमान ये पहली बार झारखंड में आए हैं, उनके सरपरस्ती आज के डेट में झारखंड में हुपान मलिक जी, चंदन सिंह जी, राज भाई जो कर रहे हैं, और ये आज हम लोगों को नसीब हुआ। तो बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सैयद अजीम वकार जी साहब, जिन्होंने हमें यह आदेश दिया हम लोगों को कि आप जाइए शहीद सिख भिखारी के वंशजों से मिलिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम और परेशानी है तो उनके दुख सुख के लिए लड़ाई लड़िए सड़क से लेकर के सदन तक। और इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद शाहिद और हमारी टीम यह आपसे वादा करती है कि आपका मकान से लेकर के सुरक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के शिक्षा से लेकर के तमाम चीज की लड़ाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे हम तमाम साथी लड़ेंगे। और आज उसी का एक छोटा सा हम लोग ने प्रयास किया है जो आज जनाब हुपान मलिक साहब, चंदन सिंह जी, एजाज भाई, बनान भाई और तमाम साथी हम लोग ने करने जा रहे हैं कि शहीद सिख भिखारी शहीद आजम के नाम से हम लोग एक मकबरे का शिलान्यास करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए कि हर चीज का जो चीज आज तक झारखंड में आप लोगों को वादा किया गया था नहीं मिला, वो तमाम चीज आप लोगों के लिए लड़ करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके घर पे लाके पहुंचाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। इस गांव में या इस गांव के बारे में या शहीद सिख भिखारी के बारे में बहुत पहले स्कूल में हम एक बात सुने थे कि इनको फांसी की सजा दी गई आजादी की लड़ाई में 1857 में। और आज ये खुशनसीबी है मेरी कि इस गांव में मेरा आना हुआ और आप लोगों की जो ग्रीवांस है, जो शिकायत है, उसको सुनने का भी मौका मिला। हम एक ही चीज कहेंगे कि इस बार एक मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं उसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है। अपने हक के लिए आप लोग आगे उठें और ये तमाम पार्टियां जो आपको बेवकूफ बनाती आई हैं आज तक, अभी इतने लोगों की जो कहानी हम सुने तो मेरा दिल बिल्कुल भर गया कि इस गांव में इतनी सारी चीजें हैं लेकिन अपेक्षा का शिकार आप लोग हैं। तो इस बार ये संकल्प लीजिए, प्रण कीजिए कि तमाम जो पार्टियां आपको बेवकूफ बनाती आई हैं इनको बिल्कुल आईना आप दिखाइए और ये जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपके लिए काम करेंगे, आप के हक के लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए आपका साथ बेहद जरूरी है। शुक्रिया। इस मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जनाब हुपान मलिक साहब, चंदन सिंह, एजाज अली, सदाब मनान, मोहम्मद साहिद, शिशिर भाई और हमारे तमाम माँ बहनों को हमारे तरफ से जोहार, नमस्कार और सलाम। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे शहीद सिख भिखारी का जो वंशज लोग हैं, जो उनका पुश्तैनी गांव है, उसका हाल क्या से क्या है, बद से बदतर है। ना तो यहाँ पे मौलिक सुविधा पढ़ाई के लिए है, ना पानी के लिए है, ना बिजली के लिए है। लोग यहाँ तक है कि दर दर ठोकर खाते हैं, मजबूरी का मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन से बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। प्रावधान है कि लोग कम से कम ऐसे लोगों को सहारा दे जो बेसहारा है उनको। इन लोग को ना तो पेंशन मिलती है
और न कार वगैरह का सुविधा मिलता है। और रही बात हमारे सैयद शेख भिखारी का, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हम लोग को 70 सालों से और इधर झारखंड अलग होने के बाद से भी अपेक्षित रखा गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मजलिस का टीम के अलावे यहाँ भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दल या प्रशासनिक लोग उपस्थित नहीं है, तो ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर, अपनी जान की बलिदान देकर हिंदुस्तान को आजादी की ओर ले गया। आज उनके वंशज दाने दाने को मुहताज हैं, न इनके पास खाने के लिए अनाज है। बहुत ऐसे जिनको चावल मिलता है, चावल चावल मिलता है वही चावल से खाते हैं, और जो चावल घट जाता है तो उसके बदले वो कई दिन उपवास में रहते हैं। ये मैं खुद देखा हूँ अपने आंखों से, क्योंकि मैं भी इसी धरती का हूँ और इसी समाज का, इसी घर का हूँ, है ना। तो लोगों को हर तरह से ठगा दिया है, आज ये करूंगा कल वो करूंगा। न तो किसी का इंदिरा आवास है, न किसी को अच्छा पढ़ाई का तालीम दिया गया है, न किसी को सर्विस दिया गया है। इससे पहले बोला गया कि खेलगांव में आप लोगों को सबको सर्विस दे दिया जाएगा, वहाँ एक जो शहीद शेख भिखारी का वंशज है उनका एक भी वंशज कोई भी डिपार्टमेंट में किसी विभाग में कार्यरत नहीं है। खाने को दाने दाने को मोहताज है और बेबसी और लाचारी का जिंदगी जीने को मजबूर है। बस मैं इतना ही कहकर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए हैं तो देखिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ कीजिएगा। शुक्रिया। हेलो हेलो शहीद आजम शेख भिखारी जी के इस जन्मस्थली कुटे गांव लटवा गांव में आप सभी बुजुर्ग माँ बहने बच्चे और मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमान खुसूसी उबान मलिक साहब, धनबाद से चलकर आए हुए शादाब मनान साहब, छोटू भाई चंदन सिंह जी, चंदवे से आए हुए शेख सलीम साहब, रांची से हमारे साथ आए हुए नदीम साहब, शिशिर साहब और रांची से हमारे कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोगों का साथ देते हुए शाहिद भाई, अजहर बाबू, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। और अभी जो आप लोगों ने अपना दर्द सुनाया, अम्मी जान ने बोला आंखों में आंसू आया, चचा जान ने दर्द सुनाया, मैं सबसे बुद्धू चचा जान की आंखों में आंसू कब से देख रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपकी आंखों में आंसू देखते हुए। वादा हम लोग नहीं करेंगे, देखिए इतना यकीन रखिए कि मजलिस की तरफ से आए हुए हम तमाम टीम बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम लोग दोबारा शाहिद भाई और खुबान भाई पहली बार नहीं आज दूसरी बार आप लोगों के बीच में आए हैं। आज कब कुछ दिन पहले भी आए, आज ज्यादा लेकर गए, उस दिन भी इन लोगों ने आपका दर्द देखा और आज हम लोगों ने देखा। ये आंसू की कीमत हम लोग अदा नहीं कर सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, लेकिन ये जरूर वादा करेंगे कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप सभी के चेहरे पे वो खुशियां वो मुस्कान लाने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। इसकी शुरुआत खुबान भाई ने किया है, हमारे सरदार बैरिस्टर ओवैसी साहब और वकार साहब के दिशा निर्देश पे उसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बात बनाने आप लोगों के बीच में आए हैं और कोई सियासत करने आए हैं,
वाकई दिल से कुछ करने की ख्वाहिश हुई, जगी हुई है। और बिना अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनके तरफ से हम लोगों के जहन में पैगाम आया और आप लोग के बीच में आए हैं। और आज ये जो नींव रखा जाएगा, आप लोग भी जानते हैं जब बुनियाद करता है, नींव रखा जाता है तो घर और वो बिल्डिंग तैयार हो ही जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग एक नींव बुनियाद रखेंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सभी लोग आप लोग दिलो जान से चाह रहे हैं कुछ न कुछ हो और हम लोग भी चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। और आप लोग आएंगे, निराश मत होइए और अल्लाह के वास्ते आज के बाद से आप लोग अपने आंखों में आंसू मत लाइएगा और सही मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, हंसना शुरू कर दीजिए, इसमें हम लोग आपके साथ साथ हैं। और अब मैं अपने भाई चंदन सिंह से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बातों से हम लोगों को मुखातिब करें। चंदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दास भाई। सच में ये माननीय हमारे दिल अजीज झारखंड के गरीबों की पीड़ा उठाने के लिए तत्पर दिन रात बेचैन, सब सुख को छोड़ के गरीबों के हमदर्द बनने के लिए जिन्होंने लगभग परिवार का त्याग कर दिया, उस हुबान मल्लिक के जज्बात को सलाम है आज इस भिखारी के धरती से। दोस्तों, आपके बीच जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से मैं विशेष कर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जो पांचा पंचायत के समिति सदस्य हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी यूटिलिटी क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, ये कैसे गरीबों का मदद कर सकते हैं। पंचायत समिति के और जो सदस्य हमारी महिला बहन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे इजाज भाई, शिशिर भाई, नवाब भाई, मन्नान साहब और खास करके आपके लिए लड़ने वाला जुझारू लड़का मेन रोड रांची में जरूर रहता है लेकिन आपके गरीब के दिल का धड़कन है, इस शहीद को, इस जज्बात को भी मेरा सलाम। ये शहीद आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। छोटे छोटे लोग हमारे भाई जहां भी हैं, जिस जंगल में हैं, चाहे वो आदिवासी मुसलमान हो, चाहे सवर्ण उमर टिकैत सिंह का परिवार हो, इनके द्वारा ही सूचना मिला, इन्होंने हुबान साहब के पास गया, हुबान साहब को आपके बीच लाया और हम आपकी आवाज को लेकर हैदराबाद असद साहब के पास पहुंचाया। जैसे उनके कानों में ये आवाज गई, आज इस मंच से हम सुदेश महतो को भी आगाज करना चाहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को भी आवाज देना चाहेंगे और खास करके जो झारखंड के मुखिया हैं, जो कान में करवा तेल लेके सो गए हैं, उन्हें भी चेताने आए हैं इस शहीद की उस मिट्टी को सलाम करके कि रघुवर जी आप चेत जाइए, अब शेख भिखारी का गांव भिखारी नहीं, वो अमीर बनने वाला है और तुम गरीब के बीच में आओगे और तुम अमीर से फकीर बहुत जल्द बनने वाले हो। उसके लिए आपको एक जूता दिखानी है। आपके बीच से उभरता हुआ सितारा जो माइक से चिल्ला रहा था कई देर से बेचारा, आप घर से निकलो। आज भी हमारी माताएं बहनें कहीं दूर कोने से सुन रही हैं। जब आप इस मंच तक नहीं आ सकती तो आप अधिकार की लड़ाई क्या लड़ेंगी? ये सबसे पहले चीज है। जब हम अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हमें शेख भिखारी के बंद सच कहने का अधिकार भी नहीं है। ये धिक्कार है आप लोगों को जो आप कहते हो कि हम एक भिखारी के वंशज हैं, किंतु एक सीओ के सामने भी आप नतमस्तक हो जाते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहने, आप जान जाए जिस दिन आप खुद भी कुदाल लेके सीओ के दरवाजे जाएंगे, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अल्लाह जानता है वो कुर्सी छोड़ के तुम दिला के भागेगा कि चूंकि ये भिखारी की भिखारी के गाँव का ये बनता है। ये चुनावी मंच नहीं है। समिति सदस्य साहब, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको अगर कोई डराता है या धमकाता है
तो आप कह गए कि असद साहब की पूरी टीम भिखारी के गांव में पहुंच चुका है। हम जानते हैं हम अधिकार कैसे लेना जानेंगे। बताइए हमारी महिलाएं रो रही हैं, इंदिरा आवास देना उनका अधिकार है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, इस गांव में एक छोटा सा स्कूल भी नहीं है। किस मुंह से आएंगे आप केला लेके यहाँ पे सुरेश जी? 14 तारीख के बाद हर गांव से पतंग निकलेगा, उस पतंग से विकास रूपी धारा बहेगी। आज ये शेख भिखारी की मिट्टी से मैं आगाज करना चाहता हूँ, जहां तक मेरी आवाज जाएगी मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूँ। हम इस मिट्टी से ही शुरुआत करेंगे, और जिस तरह से 1857 में शेख भिखारी का साथ देने उमर डिकैत सिंह आया था, उस समय अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा बड़ा तोप था, बहुत बड़े बड़े बंदूक थे, शेख भिखारी ने धीरा उठाया। जंगल से निकलता हुआ सिपाही अंग्रेज को चुनौती दिया, और उस चुनौती को याद आज हम कर रहे हैं जो देश को आजादी मिली। अगर आज आप माथे पे हाथ देके बैठेंगे तो शेख भिखारी के आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। आइए आज एकजुटता दिखाइए, अपने अधिकार के लिए घर से लगिए, निकलिए, तब तक चूल्हा चौकी करेंगी आप। हमारी माताएं बहनें, आप पर ये बहुत बड़ा कंधे पे बोझ है। मर्द तो घर से निकल जाता है कमाने के लिए, उन्हें पता भी नहीं कब सीओ आए, कब वीडियो आए, कब पंचायत समिति आए, कब मुखिया आए। शायद ही कोई पुरुष होगा जो घर में या गांव में मौजूद रहता होगा, वो तो बेचारा आपके बच्चे के परवरिश के लिए, आपके लिए घर से बाहर निकल जाता है जंगल में लकड़ी काटने। किसी ने कहा मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, कोई कहता है मैं मुर्गी बेचता हूँ, अंडा बेचता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, टेम्पू चलाता हूँ। आप माताएं उस समय आप सजगता दिखाइए, एकजुटता दिखाइए। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस छोटे छोटे चीजों को लेके हम लोग आज से ही लग जाएंगे। आज इस बीच में मुखिया जी उपस्थित नहीं है, बड़ा खेद के साथ दिल को ये दर्द है, लेकिन हम चाहेंगे सदस्य जी जो मुखिया जी के साथ भी हम सभी बैठक करेंगे, और आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिए बस्ती में कितने ऐसे लोग हैं जिनका फूस का घर है, कच्चा घर है, ऐसे लोगों को इंदिरा आवास देना यह हुक्मान मल्लिक नहीं चंदन सिंह का भी आवाज है, और आपको इंदिरा आवास मिलेगा। मैं इस मंच से आगाज करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आगे आना होगा। हमें क्या पता है कि कितने गांव हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक इंदिरा आवास मिला नहीं। माँ आप जान लो मुखिया का काम है ये लिस्ट बनाना, पहले आप जान ले कि ये मुखिया जी का काम है लिस्ट बनाना। आप अपने अधिकार को पहले समझिए, ये पंचायत समिति सदस्य बेचारा कितना लड़ेगा, किनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए ये मुखिया का काम है। मुखिया जी बैठेंगे लिस्ट बनाएंगे, पंचायत समिति बैठेगी, सारे गांव के सदस्य रहेंगे, एक एक लोगों की लिस्ट बनेगी, इसका रिकमेंडेशन होके कर्मचारी जो आपके गांव में जमीन का रसीद उसीद काटने आता है वो जानती है ना, कर्मचारी होता है वो, कर्मचारी का काम है उसपे ओके करना, ओके करके तब वो जाता है ऑफिस, अंचलाधिकारी जिसको हम लोग सीओ बोलते हैं। यही है कि हमें जानकारी नहीं है इन बातों की, हम सीओ को गाली देंगे, वीडियो को गाली देंगे, वहां जब जाएंगे तो वो हमें फाइल दिखाएंगे, कहेंगे सर देखिए इस गांव का जो रिप्रेजेंटेशन करता है मुखिया वही हमारे पास नहीं भेजा है, तो हमें किसे देंगे, वो किसको देगा इंदिरा आवास। आपके यहां से लिस्ट तो बन के जाना चाहिए, किसका घर है किसका नहीं है, कौन ऐसी माताएं हैं जिनका वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिला है, इसकी भी लिस्ट होनी चाहिए, और आप सदस्य की इसमें थोड़ा मदद करेंगे। इस गांव का जो भी लड़का पढ़ा लिखा है वो थोड़ा आप अपने गांव के लिए जगिए, आप अपने गांव के लिए जब तक नहीं जगेंगे तो हम क्या आके आपको जगाएंगे। आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए विधवा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए,
इंदिरा आवास के लिए। ये तीन चीज हम बोल के जा रहे हैं और 15 दिन के बाद हमारी फिर टीम आएगी, सिर्फ हम लिस्ट आपसे लेंगे। जो कितना लिस्ट है, कितनी महिला को जमा है जिसका उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है, जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया है और जिसकी आयु 30 साल 35 साल है वो विधवा हो गई है। ये कैटेगराइज जो है ये जानना आपको जरूरी है, खास करके पढ़े लिखे युवा को। ऐसी महिलाएं जो कम उम्र में विधवा हो गई हैं उनको हमें क्या मुहैया कराना है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं इस मंच से कि सबसे पहले जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं जो कम से कम सिलाई का काम सीख सकती हैं, ये तो बेसिक चीज हो सकता है ना, सिलाई करने के लिए हम महीना दो महीना के अंदर आप